हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर फेवरेट चैनल सुपर केम पॉइंट। आई होप आप केमिस्ट्री सीख रहे हो, सिखा रहे हो और अपना कैरियर बना रहे हो। आज हम लोग यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। ये सीखेंगे कि किस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप के कंपाउंड्स को अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कार्बन के कंपाउंड। देखिए बेटा, कार्बन कंपाउंड क्या होता है? ये सीओ ग्रुप होता है। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप। तो ये कार्बन ग्रुप में अगर हम देखें तो यहां पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ये सीओ ग्रुप है। तो यहां पर एक बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। ये सभी जानते हैं। यहां पे कार्बन पर अगर हम देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। यह ग्रुप जो होता है, यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होता है। मतलब यहां पे कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और इस पर क्या है बेटा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यह प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं। बाकी इसकी सारी प्रॉपर्टीज हम लोग आगे देखेंगे। इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, यानी कि एक तरीके से ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करता है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज आपको भी पता होगा, मैं भी आगे बताऊंगा। हम यहाँ पर आज सीखेंगे कि इनके कंपाउंड्स कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं और उनको अपने दिमाग में कैसे रखें, आज वो सीखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कार्बन ग्रुप में मैंने यहाँ पे दो वैलेंसी इसकी फ्री की हुई है। यहाँ पर देखिए, एक वैलेंसी ये है बेटा और दूसरी वैलेंसी ये है। ठीक है, यहाँ पे दो वैलेंसी है। ठीक है, एक वन और एक टू। बहुत से बच्चे तो इस सीओ ग्रुप को कीटोन कह के ही खुश होते हैं। ये कीटोन नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ये एक सिंपल सा कार्बोनिल ग्रुप है। इसकी खुद की अपनी एक क्या है? प्रॉपर्टीज है। इसकी खुद की अपनी एक आइडेंटिटी है। तो इसके अलग अलग कंपाउंड कैसे बनते हैं जरा समझते हैं। अगर हम यहां पर इसकी एक वैलेंसी यानी कि फर्स्ट वैलेंसी को R के साथ जोड़ दें, मतलब एल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ दें। ये R का मतलब क्या हो बेटा? यहां पर ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है, मिथाइल है, एथाइल है, ठीक है, और प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, ये सभी हैं हाइड्रोकार्बन ग्रुप। एक वैलेंसी अल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ दें और अगर दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ जोड़ दें तो यही बन जाता है एल्डिहाइड। यही क्या बन जाएगा? ये एल्डिहाइड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, ये बन जाएगा बेटा एल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। और इसका जो सिंपल सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड होगा वो होगा फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि दोनों वैलेंसी हमने हाइड्रोजन के साथ क्या किया? ऐड कर दिया। ठीक है, यानी ये R जो है यहां पर अगर हाइड्रोजन लिख दिया आपने तो ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड, जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है ये फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर? अगर हम देखें तो एक वैलेंसी अगर मैंने अल्काइल ग्रुप के साथ ज्वाइन किया, दूसरी वैलेंसी भी अगर मैंने अल्काइल ग्रुप के साथ ज्वाइन कर दिया तो ये जो कार्बन ग्रुप है अब ये बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा? ये कीटोन। अगर इसको डिफरेंट करना हो तो कर दीजिए, यहाँ पे R डैश लगा दिया। अगर इसमें देखा जाए अगर R इज इक्वल टू R डैश, यानी कि दोनों अल्काइल ग्रुप एक जैसे हों तो इसी को कह देते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसको यहाँ देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन मैंने एग्जांपल लिया है। तो ये एग्जांपल किसका है? सिमेट्रिकल कीटोन का। अगर इसी में देखें तो R इज नॉट इक्वल टू R डैश, यानी ये R डैश है यहाँ पे। अगर R और R डैश एक जैसे नहीं है, यानी कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप एक जैसे नहीं है, तो उस केस में यही बन जाएगा बेटा एसिमेट्रिकल या मिक्स्ड कीटोन। जैसे एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक वैलेंसी मेथाइल के साथ ज्वाइन कर दिया और दूसरी वैलेंसी एथाइल के साथ, तो आप देखिए दोनों हाइड्रोकार्बन अलग हैं, तो इसे कहेंगे हम एसिमेट्रिकल कीटोन या एसिमेट्रिकल मिक्स्ड कीटोन।
क्लियर है। तो आप देखो इसी कार्बन ग्रुप के साथ एक वैलेंसी R या H की या दो एक दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, तो एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और यहाँ पर एक वैलेंसी R के साथ दो दूसरी वैलेंसी भी R के साथ, तो ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। ठीक ऐसे ही अगर हम कार्बन ग्रुप की एक वैलेंसी को एल्काइल ग्रुप के साथ और दूसरी वैलेंसी को OH के साथ अगर हम जोड़ दें तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम देखें एक वैलेंसी अगर R के साथ जोड़ दी यानी कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप के साथ और दूसरी वैलेंसी OR के साथ जोड़ दें, ठीक है, यहाँ OR ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा एस्टर। क्या बन जाएगा, ये एस्टर बन जाएगा, OR देख लीजिए ये बन गया एस्टर। ठीक ऐसे ही और भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि एक वैलेंसी R के साथ जोड़ दिया और दूसरी वैलेंसी NH2 के साथ जोड़ दिया, एमीन ग्रुप, तो यही बन जाएगा, यही बन जाएगा बेटा एमाइड। क्या बन जाएगा, इसको हम इसी क्या कहेंगे, एमाइड कहेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ एमाइड। ऐसे ही अगर आप देखो एक वैलेंसी R के साथ यानी एल्काइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन और दूसरी वैलेंसी किसी हैलोजन के साथ, फॉर एग्जांपल टोरिन ले लेते हैं, तो यही बन जाएगा एसिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, ये एसिल क्लोराइड या कहीं कहीं एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें एक वैलेंसी R के साथ हो और दूसरी वैलेंसी OCOR के साथ हो, तो यही बन जाता है, यही बन जाता है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एन हाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये मिला के लिखा जाएगा बेटा। एन यहाँ आपको अलग दिख रहा है, अलग नहीं है, ये एक साथ यहाँ लिखा जाएगा एनहाइड्राइड। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि कार्बन ग्रुप के साथ, ठीक है, इतने सारे और भी कंपाउंड बन सकते हैं, उसके डेरिवेटिव बन सकते हैं, और भी जितने बनाने हो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखो सभी में CO ग्रुप यहाँ पर क्या है बेटा, कॉमन है। तो इस कार्बन कार्बन ग्रुप की दोनों वैलेंसी को अलग अलग एटम या ग्रुप के साथ हमने जोड़कर ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को बनाया। तो उसको रटिएगा नहीं, बहुत से बच्चे तो उसको रट डालते हैं, इसके रिएक्शन तक को रटते हैं। जब यहाँ पर CO ग्रुप प्रेजेंट है तो CO ग्रुप की भी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ है, CO ग्रुप की भी अपनी एक आइडेंटिटी है, उसको मत भूलिए। ये CO ग्रुप एक ऐसा बच्चा है, ये एक ऐसा बालक है, अगर ये अपने माँ बाप के साथ रहेगा तो बेटा बन जाएगा, अगर ये अपना अपने चाचा चाची के साथ रहेगा तो क्या बन जाएगा, भतीजा बन जाएगा। अगर यही कार्बोनिल नाम का बच्चा अगर अपने दादा दादी के साथ रहेगा तो पोता बन जाएगा। यही कार्बोनिल नाम का बच्चा अगर अपने नाना नानी के साथ रहेगा तो नाती बन जाएगा। अगर अपने भाई बहनों के साथ रहेगा तो भाई बन जाएगा। कितने सारे रोल हैं इसके, लेकिन इसकी खुद की अपनी पहचान है, इसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है, हम यही सीखेंगे। वरना बहुत से बच्चे तो उसको रटते फिरते हैं, पता नहीं क्या क्या कहाँ से ट्रिक बनाते रहते हैं, कहाँ से आपको शॉर्टकट तरीके से इस केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, बर्बाद हो जाते हैं ऐसे बच्चे, लास्ट में उनको कुछ नहीं समझ में आता, कहते हैं केमिस्ट्री तो बहुत भारी चीज़ है, उसका कॉन्सेप्ट पता नहीं क्या है, एक्सेप्शन का भरमार है। आई होप आपको आज यहाँ पर समझ में आया कि कार्बन ग्रुप से इतने सारे कंपाउंड्स आप बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, और भी इसके डेरिवेटिव बनते हैं, यहीं पर ही नहीं है, इसके डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। हम यहाँ पर केमिस्ट्री को सीखेंगे और उसके ढंग से उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करना सीखेंगे, सारे रिएक्शंस मैकेनिज्म को हम यहाँ पर सीखेंगे। पढ़ना पढ़ाना पढ़ाना वाला काम नहीं है, यहाँ पर सीखना सिखाने वाला काम होगा।
तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई हैं। तो आप वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे करवाएंगे, ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा लोगों को ये इसका फ़ायदा हो पाएगा, लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी ऐसी केमिस्ट्री को सीख कर। क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत से कन्फ्यूज़ हैं, वो पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री को, सीखना चाहते हैं। आप उनकी हेल्प करोगे जब वीडियो को आप शेयर करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई, आगे भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। बाकी प्लेलिस्ट में आप जाइए, आपका जो भी कंटेंट है वहाँ पे डिटेल्स में है। इस तरीके के छोटे छोटे जो नॉलेज हैं वो आपको मैं देता रहूँगा। ओके, थैंक यू।